सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें अमर लेडीज़ टेलर बुटीक। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको इस चैनल पर हर एक चीज़ सीखने को मिलेगी, जैसे लहंगा, कुर्ती, ब्लाउज, सूट, पटियाला सूट, चूड़ीदार सूट, पैंट सूट, हर एक चीज़ सीखने को मिलेगी। दोस्तों अच्छे अच्छे डिज़ाइनर मास्क, डिज़ाइनर गले, सूटों के डिज़ाइनर गले, ब्लाउजों के डिज़ाइनर गले इत्यादि यहाँ सीखने को मिलेगा। दोस्तों सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीखने को मिलेगी। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा के प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। देखिए ये कपड़ा लिया हमने, इसी की करेगा कटिंग। तो दोस्तों जो कपड़े का सीधा वो अंदर रखना है और उल्टा बाहर रखना है, इस तरह से आपको बिछा लेना है। ये इधर से देख लीजिए बंद है और इधर से खुला है, इस तरह से आपको कपड़ा रखना है। इसके बाद में सबसे पहले ऊपर इस तरह से आपको लाइन खींच देना है, यानी आगे से हल्की सी डाउन करती हुई खींचेंगे क्योंकि आगे वाला जो पल्ला है वो हल्का डाउन रहता है इसलिए। तो ये हमने 2 इंच ले लिया दोस्तों, इस तरह से आपको ले लेना है। इसके बाद में इसकी लेंगे लंबाई। तो दोस्तों इसकी लंबाई ये देख लीजिए आप स्क्रीन पर, 38 इसकी लंबाई है, तो ये हमने 38 ले लिया है। इसके बाद में 1.5 इंच जो नीचे से मोड़ेंगे उसका मार्जिन ले लिया है, इस तरह से आपको ले लेना है। हाँ तो दोस्तों अब आपको आसन की लंबाई लेनी है, जो आसन की लंबाई लेंगे जो हिप्स है 36 उसका 34 हिस्सा लेंगे और उसमें 1.5 इंच मार्जिन जोड़ देना है। इस तरह से 10.5 हमने इस जो आसन है वो ले लिया दोस्तों। उसके बाद में इस तरह से आपको लाइन खींच देना है, ये हमने खींच दिया दोस्तों। इसके बाद में यहाँ से हिप्स की जो नाप लेंगे दोस्तों, हिप्स का 34 हिस्सा लेना है यानी 36 का 34 हिस्सा 9 है तो हमने 9 ले लिया। इसके बाद में 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद में यहाँ से 2.5 इंच इसमें ये एक्स्ट्रा ले लेना है। तो दोस्तों इसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग दिया है। इसके बाद में यहाँ से जो इसकी ये देख लीजिए आप, यहाँ से आपको जो जितना गहरा है उतना ही यहाँ नीचे ले लेना है, इस तरह से आपको ले लेना है। इसके बाद में यहाँ से स्केल से इस निशान को मिला देंगे, ये देख लीजिए इस तरह से सेब पट्टी से लगाएंगे निशान। तो दोस्तों इस तरह से आपको ले लेना है। इसके बाद में ये आसन की जो लंबाई है इसका भी निशान हमने उठा लिया है, यहाँ से भी हमने उठा लिया है। तो दोस्तों ये नीचे से भी इस तरह से आपको लाइन खींच देना है दोनों। तो यहाँ से इस तरह से आपको शेप दे देना है, ये देख लीजिए ये हमने शेप दे दिया। इसके बाद में ये हमने जो आगे का पल्ला है उसके निशान उठा लिया दोस्तों, इस तरह से देख लीजिए ये हमने लंबाई इसकी ले ली। ये आसन है और ये हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है और इसके बाद में ये 2.5 इंच हमने ये निशान ले लिया था। तो दोस्तों इसके बाद में कटिंग कर लेंगे, ये देख लीजिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। जो सेम निशान है उसी के ऊपर आपको कटिंग करना है। ये देख लीजिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, ये हमने कटिंग कर ली है दोस्तों। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इसके बाद में जो बैक पल्ला है उसकी कटिंग करेंगे दोस्तों, तो इसको रख देते हैं। अब इस कपड़े को देख लीजिए आपको किस तरह से बिछाना है, इस तरह से आपको पकड़ना है और जो हमने कटिंग की थी ये देख लीजिए इस तरह से आपको ले लेना है। जो कटिंग की है उसी तरफ से आपको लेना है दोस्तों। ये हमने बिछा लिया दोस्तों। इसके बाद में कपड़े का जो चुन्नट है यानी स्लॉट है इसमें इसको निकाल लेंगे दोस्तों, इस तरह से चारों तरफ से अक्सा कर लेंगे, ये देख लीजिए। इसके बाद में अब करेंगे जो आगे वाला पल्ला है उसको रखेंगे दोस्तों, इस तरह से आपको रख देना है, ये देख लीजिए ये हमने रख दिया दोस्तों। इसके बाद में निशान उठाएंगे इसमें,
ये देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से ये निशान उठा लेंगे, इसके बाद में ये 2 इंच का ऊपर करते हुए इसको लेंगे, यानी पीछे वाला जो बैक पल्ला है दोस्तों वो 2 इंच ऊपर रखना है, क्योंकि अगर इस तरह से अपन नहीं लेंगे तो दोस्तों पीछे वाला जो बैक पल्ला है वो पीछे से उतरेगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पीछे वाला जो पल्ला है वो 2 इंच ऊपर रखना है, और यहाँ से इसमें ये 3 इंच हमने ले लिया है। 3 इंच लेने के बाद इस तरह से सेपट्टी से निशान उठा लेंगे, नीचे से 1.5 इंच लेना है और ऊपर से 3 इंच लेना है। ये निशान भी इस तरह से उठा लेंगे आप, ये हमने उठा लिया दोस्तों, ये देख लीजिए। इस निशान को भी यहाँ से मिला देंगे, इस तरह से आपको मिला देना है। ये देख लीजिए, ये हमने मिला दिया है, इसके बाद में कर लेंगे कटिंग। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। ये हमने कटिंग कर लिया दोस्तों, यहाँ से कट लगा लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम ये इसकी लंबाई यहाँ तक रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो पॉकेट है उसका भी निशान उठा लेते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ से इसमें लेना है आपको 2.5 इंच नीचे लेना है, जो नीचे वाला निशान है उससे 2.5 इंच नीचे ले लेना है। इसके बाद में 6 इंच का पॉकेट लेंगे हम, ये देख लीजिए, इस तरह से आपको 6 इंच का पॉकेट ले लेना है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया दोस्तों। इसके बाद में करेंगे जो पॉकेट है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लेना आपको दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये देख लीजिए। ये हमने कपड़े को ले लिया दोस्तों, इस पॉकेट की जो लंबाई है वो 14 इंच लेना है और चौड़ाई 7 इंच लेना है। ये स्क्रीन पे देख लीजिए आप लिखा हुआ है, इस तरह से आपको लेना है। तो ये हमने 7 इंच चौड़ाई ले ली है, ये देख लीजिए। और यहाँ से कर लेंगे कटिंग। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है दोस्तों, और यहाँ से नीचे से इस तरह से आपको शेप दे देना है। ये हमने शेप दे दिया दोस्तों। इसके बाद में जो प्लाजो है उसके नीचे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी इसमें शेप दे देंगे प्लाजो के हिसाब से, ये देख लीजिए आप। यानी जो ऊपर वाला भाग है वो हल्का से इसमें बाहर निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ आगे ज़्यादा रह जाएगा, इसलिए ये देख लीजिए हल्का सी इस तरह से डाउन करते हुए प्लाजो की तरह इसमें शेप देना। ये इधर से कटिंग कर ली हमने और इधर से कटिंग कर लेना, और यहाँ से कट लगा लेंगे, क्योंकि हमारा पॉकेट है इतना इसका मुंह रहेगा पॉकेट का। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमने पॉकेट की कटिंग कर ली है, इस तरह से आपको कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जब तक चलते हैं, बाय बाय।